Once again, very good morning, students. Students, today we are going to discuss our next chapter of grammar, that is chapter number 23, can, may, should or must. इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. ओके, कैन के साथ हम कैन नॉट का यूज भी करेंगे. कैन होता है शो, हम कहाँ यूज करते हैं, एबिलिटी को शो करता है आपकी. ओके, can suggest the ability to do something. Ability means आपकी योग्यता, किसी भी चीज की ability क्या है. Like example दिया हुआ, this plant can grow in a desert also. कि ये plant desert में भी grow कर सकता है, जबकि desert में plants grow नहीं करते. Cactus की ये ability है कि वो grow कर सकता है. ठीक है, और cannot कहाँ use करेंगे, absence of ability. ठीक है, कि जब वो एबिलिटी उसमें ना हो. लाइक शी वॉज बोर्न इन चेन्नई बट शी कैनॉट स्पीक तमिल. वो चेन्नई में पैदा हुआ लेकिन तमिल नहीं बोल सकता. चेन्नई में पैदा होने वाले को तमिल तो आनी चाहिए ना, लेकिन उसमें ये एबिलिटी नहीं है. ओके, आपकी किसी भी चीज की योग्यता, एबिलिटी को जो शो करना हो तो उसके लिए हम कैन यूज करते हैं, और एब्सेंस ऑफ एबिलिटी के लिए कैन नॉट. और कैन किस लिए यूज होता है, सीकिंग परमिशन और गिविंग परमिशन. परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए. ठीक है, पोलाइट परमिशन के लिए यूज होता है. वैसे ज्यादातर हम मे यूज करते हैं, बट समटाइम्स वी यूज कैन ऑल्सो. इट इज हॉट, कैन आई स्विच ऑन द एसी. बहुत गर्मी है, क्या मैं एसी ऑन कर सकता हूँ. सीकिंग परमिशन मीन आप परमिशन मांग रहे हो, ले रहे हो किसी से. यस You can, yes, तुम कर सकते हो. तो आपको giving permission mean आपको permission, आप जिससे permission मांग रहे हो वो आपको permission दे रहे हैं. And cannot suggest refusing permission. Refuse मतलब मना कर देना. You cannot use my calculator. आप मना कर रहे हो किसी चीज के लिए. ठीक है, क्या use है can का, ability show करने के लिए, और एब्सेंस ऑफ एबिलिटी के लिए कैन नॉट. परमिशन मांगने के लिए कैन, और अगर रिफ्यूज हो जाए आपकी परमिशन, कोई मना कर दे तो कैन नॉट. आप एक्सरसाइज करोगे बेटा तो आपको समझ आ जाएगा इसका यूज आप कहाँ कर रहे हो. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट विद अ सुइटेबल वर्ब. टेक वर्ब फ्रॉम दोज गिवन बिलो. आपने, आपको देखो जितने भी सेंटेंसेस हैं, यू हैव टू ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस. ओके, एक ब्लैंक में आपने कैन या कैन नॉट फिल करना है, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, और दूसरे ब्लैंक में आपने उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, मेन वर्ब यूज होगा सॉरी, वो यूज करना है. ठीक है, दीज आर द मेन वर्ब. नीचे आपको बॉक्स में दिए हुए हैं यूज, रीड, टेक, लिव, क्लाइम, लिव, drop, have, climb, begin. Okay, these are the words given in the box. Now I am reading the sentences. My father is above 90. मेरे father 90 years से ज्यादा है, मतलब उनकी age, grandfather sorry, मेरे grandfather की age 90 years से ज्यादा है. But he blank blank without glasses. Glasses होता है यहाँ पर, glasses का मतलब है specs, चश्मा. Anybody can tell यहाँ क्या आएगा? Yes Priya, unmute yourself. प्रिया आपने हैंड रेज किया हुआ था, क्या हुआ? नीचे आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी दिए हुए बेटा. एनीबॉडी कैन टेल? यस मैम. यस बताइए बेटा. माय ग्रैंडफादर इज बट ही कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस. बट ही कैन नॉट रीड, ही कैन रीड बेटा. वो 90 इयर्स के हैं. बट मींस लेकिन, फिर भी उनमें ये एबिलिटी है
ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, फिर भी वो बिना ग्लासेस के पढ़ सकते हैं। अगर हम कैन नॉट लगा देंगे वो तो ऑब्वियस है बेटे, 90 इयर्स का होके तो वैसे भी आईज वीक हो जाती है, कम दिखाई देता है, ठीक है। उनकी 90 इयर्स से ज्यादा होने के बाद भी हुए, उनकी एबिलिटी है कि वो रीड कर सकते हैं विदाउट ग्लासेस, ओके, ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस। सेकंड वन, ब्लैंक आई ब्लैंक योर टेलीफोन फॉर अ वाइल, ब्लैंक आई ब्लैंक योर टेलीफोन फॉर अ वाइल। करुण, मैम कैन आई टेक योर टेलीफोन फॉर अ वाइल? टेक नहीं, आप टेलीफोन किसी का ले नहीं सकते हो बेटा, टेलीफोन ऐसी चीज नहीं है कि आप ले लोगे उनसे। कैन आई यूज योर टेलीफोन फॉर अ वाइल? यस, कैन आई यूज योर टेलीफोन फॉर अ वाइल, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यू ब्लैंक ब्लैंक माई डिक्शनरी इफ यू नीड, यस विधि, यू कैन टेक माय डिक्शनरी इफ यू नीड, यस यस, तुम मेरी डिक्शनरी ले सकती हो, ले सकते हो अगर तुम्हें जरूरत है तो, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, I blank blank the hills at Missouri, but I blank blank Mount Everest. Anybody else? Karun or Vidhi, आपकी turn हो गई। कोई और try करेगा? You blank blank, sorry, I blank the hills at Missouri, but I blank Mount Everest. Anybody wants to try? Except these two students, Vidhi and Karun. Nobody? Yes, Ananya? Ananya Miglani? You raised your hand, Ananya. Yes, Karun. Karun. Karun, unmute yourself, beta, if you want to try. Yes. Yes. I should climb. Beta, can use कर रहे हैं हम. Should पे तो अभी पहुंचे ही नहीं बच्चे. Okay. मैं बता रही हूँ. I can climb the hills at Missouri. मैं मसूरी में जो hills है, पहाड़ियां हैं, वहां पर तो climb कर सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ. But I blank blank Mount Everest. लेकिन I cannot climb Mount Everest. Mount Everest पे चढ़ना कोई आसान टास्क नहीं है. It's not a simple task. Okay? क्या बोल रहा है वो? I can climb the hills at Missouri. Missouri की में जो पहाड़ियां हैं छोटी-छोटी, वहां पे मैं चढ़ सकता हूँ, but I cannot climb Mount Everest. Okay? Next one. She blank blank the work whenever she likes. Yes, Vidhi. Yes. Fifth one, she blank the work whenever she likes. She can. Yes. Begin. Yes. The work whenever she likes. वो अपना काम शुरू कर सकती है whenever, जब भी
she likes, वो चाहे. Okay, begin means शुरू करना. Next one, blank, I blank some water, please. Blank, I blank some water, please. Daisy. परमिशन ली जा रही है यहां से, सीकिंग परमिशन. कैन आई यूज यूज वॉटर यूज करते. कैन आई टेक, क्या मैं थोड़ा सा पानी ले सकता हूं प्लीज. कैन आई टेक. ओके, नेक्स्ट वन, A camel blank without water for many days, but it blank without air. Simple है ये सेंटेंस. दक्ष महला, दक्ष महला, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. दक्ष महला, मन्नत म्यूट योर सेल्फ, मन्नत म्यूट योर सेल्फ बेटा. यस दक्ष, मन्नत म्यूट योर सेल्फ. यस दक्ष, ट्राई करो बेटा. दक्ष, आर यू लिसनिंग मी? Daksh, are you listening me? Mannat, mute yourself, beta. What disturbance? Yes, Ishita. Daksh, you mute yourself. Yes. कुछ नहीं करते हुआ बच्चा. ट्राई दिस सेंटेंस बेटा. मन्नत, मन्नत, मन्नत म्यूट योर सेल्फ. यस इशिता मैम, फिर से बोलना एक बार सेंटेंस. हाँ जी बेटा. Seventh sentence, a camel blank without water for many days. Uski ability hai yahan par. But it blank without air. Mam, live. Can live. Can to lagane hai na beta, can ya cannot? Mam, yes. A camel can live. Without water for many days. सबको पता है कि कैमल पानी के बिना बहुत दिन रह सकता है. Yes, but it cannot live. Yes, but it cannot live without air. पर ये air के बिना नहीं रह सकता. Next one, the last one. I blank you at your school if you want. आयुष दीक्षित, आयुष दीक्षित, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. यस, आई कैन रीड. आप इसकी हिंदी बनाना. आई कैन रीड यू एट योर स्कूल. रीड क्या होता है? पढ़ना. ड्रॉप बेटा, ड्रॉप, ड्रॉप होता है छोड़ना. आई कैन ड्रॉप यू एट योर स्कूल इफ यू वॉन्ट. अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ. ओके, रिपीट कर रही हूँ बेटा ये एक्सरसाइज. माई ग्रैंड फादर इज अबव 90 बट ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस.
Can I use your telephone for a while? Third one, you can take my dictionary if you need. Fourth one, I can climb the hills at Missouri, but I cannot climb Mount Everest. Fifth one, she can begin the work whenever she likes. Next one, can I take some water, please? Next one, a camel can live without water for many days, but it cannot live without air. And the last one, I can drop you at your school if you want. Okay. Now next, may or may not. May polite permission के लिए मैंने जैसे आपको can का use बताते हुए बोला था कि maximum times हम may use करते हैं किसी से permission लेने के लिए. Like may I use your pen? क्या मैं तुम्हारा pen use कर सकती हूँ? Yes, certainly you may. तो आप परमिशन देने के लिए फिर यूज किया गया मे. और मे नोट कब यूज करेंगे? जब रिफ्यूज कर देंगे परमिशन, मना कर देंगे आपको वो काम करने के लिए. ठीक है, बोथ मे एंड कैन आर यूज्ड फॉर परमिशन. मे और कैन दोनों ही यूज हो सकते हैं परमिशन के लिए. बेटा जितनी हो पाएगी. बट मे इज मोर पोलाइट देन कैन. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मे ज्यादा पोलाइट परमिशन के लिए यूज किया जाता है. लाइक बड़ों के साथ यूज किया जाता है जब आप टीचर से परमिशन मांग रहे हो, अपने बड़ों से परमिशन मांग रहे हो. और कैन आप फ्रेंड्स के साथ भी यूज कर सकते हो. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मे और मे नॉट विद अ सुइटेबल वर्ब. ब्लैंक आई ब्लैंक इन मैम. आई एम सॉरी आई एम अ बिट लेट. ये बहुत सिंपल है. मैक्सिमम टाइम्स आप स्कूल में ये यूज करते हो. नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वर्ब्स दी हुई हैं. वॉच, डोनेट, कम, लीव, परचेज, गो, यूज, जॉइन, सिट, यूज, गो. फर्स्ट बहुत सिंपल है. यस डेजी. यस मैम. बताइए बच्चे फर्स्ट वन. मैं आया मैम. बेटा फर्स्ट तो बहुत सिंपल है. यस विधि. कैन आई. कैन नहीं, मैं यूज कर रहे हैं बेटा. अब हम मैं और मैं नोट. मैं आई. दिस इज Come, yes, ma'am. I am. Yes. I am a bit late. मैंने आपको अभी भी पहले बताया कि आप मैक्सिमम टाइम यूज करते हो ये सेंटेंस स्कूल में. मे आई कम इन मैम बोलते हो ना. इस सेंटेंस को भी नहीं समझ पाए कुछ स्टूडेंट्स? ध्यान दो बेटा, नीचे आपको कम वर्ब भी दिया हुआ है बॉक्स में. मे आई कम इन मैम. आई एम सॉरी आई एम अ बिट लेट. बिट लेट मतलब थोड़ा सा लेट हो गया हूं. नेक्स्ट वन, मैम ब्लैंक वी ब्लैंक टू द म्यूजिक रूम. अब परमिशन फिर से देखो, जितने भी सेंटेंसेस है ना सब में आपको परमिशन नजर आएगी, परमिशन मांगते हुए या परमिशन देते हुए. ओके, मैम ब्लैंक वी ब्लैंक टू द म्यूजिक रूम. मैम मे वी गो टू द म्यूजिक रूम. परमिशन मांग रहे हैं स्टूडेंट, सीकिंग परमिशन. नेक्स्ट वन, अपर्णा यू ब्लैंक इन द फ्रंट रो इफ यू कैन नॉट सी द बोर्ड क्लियरली. अपर्णा यू मे सिट इन द फ्रंट रो. अपर्णा तुम फ्रंट रो में बैठ सकती हो. दिस इज अ सेंटेंस ऑफ गिविंग परमिशन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गिविंग परमिशन. If you cannot see the board clearly, अगर तुम्हें board clear नजर नहीं आ रहा, you may sit in the front. Fourth one, sir, I need some information from the internet. Sir, मुझे internet से कुछ information चाहिए. May I use your iPad? क्या मैं आपका iPad use कर सकता हूँ?
may I use. Next one, अब first sentence में permission मांगी है, next में yes you can use, हाँ तुम use कर सकते हो, but only for 15 minutes, लेकिन सिर्फ 15 minutes के लिए, yes इस sentence में permission दी जा रही है. Fifth one, ma'am blank I blank a bit early. मैम मे आई लीव, लीव होता है छोड़ना, मतलब वहां से जाना. मे आई लीव अ बिट अर्ली, क्या मैं थोड़ी सी जल्दी जा सकता हूँ. आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, मेरी डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट है. सिक्स्थ वन, सर ब्लैंक आई ब्लैंक दिस स्कूल ट्रिप टू आगरा. सर मे आई जॉइन द स्कूल ट्रिप टू आगरा, क्या मैं ये जो ट्रिप जा रहा है आगरा उसे ज्वाइन कर सकता हूँ, परमिशन मांगी जा रही है. यू ब्लैंक टेलीविजन फॉर हाफ एन आवर इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. टेलीविजन के साथ तो आप सबको पता है कि कौन सा वर्ब आएगा, वॉच, देखना. यू मे वॉच टेलीविजन फॉर हाफ एन आवर, तुम हाफ एन आवर के लिए टेलीविजन देख सकते हो इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, अगर तुम्हारा होमवर्क फिनिश हो गया है तो. परमिशन दी जा रही है, आप परमिशन मांगते हो ना अपने मम्मा पापा से, मम्मा थोड़ी देर टीवी देख लूं, तो आपको परमिशन दी जा रही है, लेकिन परमिशन कब मिलती है, इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. ओके. एट्थ वन, सुशांत, सुशांत बोल रहा है मैम ब्लैंक आई ब्लैंक टू द कंप्यूटर रूम, परमिशन मांग रहा है. मैम मे आई गो टू द कंप्यूटर रूम, क्या मैं कंप्यूटर रूम में जाऊं. टीचर नो, अब यहाँ नो आ गया मीन परमिशन रिफ्यूज की जा रही है, मना की जा रही है. नो से पता लग रहा है कि आपको यहाँ क्या यूज करना है, मे नोट, नो यू मे नोट, नहीं तुम नहीं जाओगे. सॉरी, आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट इन द क्लास, आई एम गोइंग टू टीच समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास में प्रेजेंट रहो क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टीच करने वाली हूँ. नेक्स्ट वन, मामा आई हैव रीड दिस बुक, मामा मैंने ये बुक रीड कर ली है. ब्लैंक आई ब्लैंक इट टू द क्लास लाइब्रेरी, मे आई डोनेट इट, डोनेट होता है दे देना, वैसे डोनेट यूज करते हैं, डोनेशन मीन्स दान वाले पर्पज के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ डोनेट होता है कि किसी को दे देना. ठीक है, मामा आई हैव रीड दिस बुक, मैंने ये बुक रीड कर ली है. मे आई डोनेट इट टू द क्लास लाइब्रेरी, क्या मैं इसे क्लास लाइब्रेरी को मैं दे सकता हूँ. नेक्स्ट वन, पापा ब्लैंक आई ब्लैंक दिस ड्रेस, इट इज कॉस्टली बट आई लाइक इट वेरी मच. पापा मे आई परचेज दिस ड्रेस, पापा क्या मैं ये ड्रेस परचेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इट इज कॉस्टली, ये कॉस्टली तो है बट आई लाइक इट वेरी मच, पर ये मुझे बहुत पसंद है. बेटा आपने जितने भी सेंटेंसेस देखो सब में देखो, सर मैम या पेरेंट्स, बड़ों से परमिशन मांगी जा रही है. आपको पहले भी बताया कि मे जो है वो पोलाइट परमिशन के लिए होता है, बड़ों से जब आप परमिशन, कैन भी यूज कर सकते हैं लेकिन कैन यूज होता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात कर रहे हो, उनसे परमिशन ले रहे हो कि उनका पेन यूज कर ले, पेंसिल यूज कर ले, लेकिन मे आप यूज करते हो जब आप बड़ों से परमिशन ले रहे हो. ओके, नेक्स्ट वन, शुड एंड शुड नॉट, कोई भी साथ साथ फिल नहीं करेगा, सिर्फ समझ लो, आपके पास नोट्स आएंगे. ओके, शुड होता है आपको जब एडवाइस दी जाती है कि आपको क्या काम करना चाहिए, शुड नॉट आपको नहीं करना चाहिए. ओके, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग शुड और शुड नॉट एंड अ सुटेबल वर्ब. वर्ब्स आर गो, वियर, टेक, waste, discuss, get,
play, reach, change, practice. These are the verbs given for these sentences. We blank the railway station 10 minutes before the train arrives. We should reach the railway station 10 minutes before. हमें 10 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए ट्रेन आने से पहले. जो भी ट्रेन का टाइम है उससे 10 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए. चाहिए मीन्स आपको सजेस्ट किया जा रहा है. You have been working for a long time. तुम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो. You should go to sleep now. अब तुम्हें सोने के लिए चले जाना चाहिए, मतलब सो जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन. इट हैज स्टार्टेड ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग होता है हल्की हल्की बारिश की बूंदे. यू ब्लैंक आउटसाइड. बारिश शुरू हो गई है. यू शुड नॉट प्ले आउटसाइड. तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट वन. योर वॉइस इज सो स्वीट. तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट मीठी है. आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस म्यूजिक रेगुलरली. मुझे लगता है कि तुम्हें रोज म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है. नेक्स्ट वन. पापा दिस कार इज स्टिल गिविंग गुड सर्विस. पापा ये कार अभी भी अच्छे से चल रही है. वी शुड नॉट चेंज इट. हमें इसे चेंज नहीं करना चाहिए. जितने भी सेंटेंस बोल रही हूँ मैं सब में क्या लगा रही हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए. चाहिए मीन्स सजेशन है, कंपल्शन नहीं है. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू ब्लैंक इट विद योर टीचर. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यू शुड डिस्कस इट विद योर टीचर. तो तुम्हें अपने टीचर के साथ इसे डिस्कस करना चाहिए. You blank this route. It is always crowded. You should not take this route. इस रास्ते पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए. It is always crowded. यहाँ हमेशा भीड़ रहती है. It is chilly outside. Chilly होता है ठंड. बाहर बहुत ठंड है. You should wear something warm. तुम्हें कुछ गर्म पहनना चाहिए. Means गर्म कपड़े पहनने चाहिए. नाइन्थ वन. वी ब्लैंक टाइम इन चैटिंग. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन चैटिंग. ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है. चैटिंग होता है बातें करना. आपको बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. आपके एग्जाम आने वाले हैं. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. मैं क्या बोल रही हूँ? यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. तुम्हें अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. शुड लगा रही हूँ मैं. And the last one, tell Garima that she blank up early and go for a walk. Garima ko kaho ki use jaldi uthna chahiye. She should get up early and go for a walk. Ye to sabke liye zaruri hai. We should get up early in the morning. Theek hai na? Subah jaldi uthna chahiye and go for a walk. Aur walk pe bhi jana chahiye. These all are suggestions. And the last one, must. Must होता है compulsion. Should में आपको suggest किया गया था कि आपको ये काम करना चाहिए. But must हम कहाँ use करते हैं? Must कहाँ use करते हैं? जहाँ compulsion होता है. Ishika, mute yourself, beta. Ishika, mute yourself. Okay. मस्ट यूज करते हैं जब कोई काम आपको जरूरी करना ही है, नेसेसरी है वो. और मस्ट नॉट जो आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. ओके, बोथ मस्ट एंड शुड हैव सिमिलर मीनिंग्स, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑफ द टू. मीन्स जैसे हमने मे और कैन में आपको डिफरेंस बताया कि मे और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन मैं जो है वो पोलाइट हो जाता है, बड़ों के लिए यूज करते हैं. बड़ों के साथ जब आप परमिशन ले रहे हो उनसे तो यूज करते हैं. ऐसे ही मस्ट और शुड भी काफी क्लोज हैं, लेकिन
मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी कंपल्शन हो जाती है कि आपको ये काम करना ही है. लाइक इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे वर्ब्स आर टेक, ब्रश, रिटर्न, रिड्यूस, वायलेट, चेक, बर्डन, बिहेव, कंसल्ट एंड सेलिब्रेट. ओके, लेट स्टार्ट. वी ब्लैंक एयर एंड वॉटर पोल्यूशन. ध्यान से सुनना, वी मस्ट रिड्यूस, रिड्यूस होता है कम करना, एयर एंड वॉटर पोल्यूशन हमें करना ही है, एयर और वॉटर पोल्यूशन को कम, नहीं तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये काम नेसेसरी है. ओके, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, मस्ट. सेकेंड वन, वी ब्लैंक रूडली विद एनीबॉडी. वी मस्ट नॉट बिहेव रूडली. हमें किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए. हमारा बिहेवियर किसी के लिए भी रूड नहीं होना चाहिए. गलत ढंग से किसी से भी बात नहीं करनी है. ओके, नेक्स्ट वन, पीपल ब्लैंक दिवाली विद फायर क्रैकर्स. पीपल मस्ट नॉट सेलिब्रेट दिवाली विद फायर क्रैकर्स. ठीक है, आप शुड भी लगा सकते हो, लेकिन फायर क्रैकर के साथ नहीं करनी है. आप जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अब ये कंपल्शन हो गया है, नेसेसरी हो गया है कि कम से कम फायर क्रैकर्स यूज करें. ओके, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे मस्ट. पीपल मस्ट नॉट सेलिब्रेट. नेक्स्ट वन, वी ब्लैंक द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. वी मस्ट चेक द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. मतलब चेक करना चाहिए मीन्स उन्हें कंट्रोल करना चाहिए. ओके, चेक मीन्स कंट्रोल, अदरवाइज पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है. यू ब्लैंक योर टीथ ट्वाइस अ डे. यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में दो बार आपको ब्रश करना ही करना है. नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सेव वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक जो आप बहुत कम नजर आते हैं, टाइगर है, ठीक है, इन एलिफेंट, ये सब अब बहुत कम होते जा रहे हैं. तो इमीडिएट स्टेप उठाने चाहिए इनको सेव करने के लिए. नेक्स्ट वन, टीचर्स ब्लैंक चिल्ड्रन विथ टू मच होमवर्क. टीचर्स मस्ट नॉट बर्डन. बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों पे उन्हें बहुत ज्यादा होमवर्क देकर. ये सेंटेंस तो आप सबको अच्छा लगेगा, है ना? टीचर्स मस्ट नॉट बर्डन, या मस्ट बर्डन कर दें. कितने चाहते हैं कि यहाँ मस्ट बर्डन या मस्ट नॉट, मस्ट नॉट वाले कितने? रेज योर हैंड्स. करुण बेटा, मस्ट नॉट ही है, ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए. ठीक है, होमवर्क का बहुत ज्यादा बर्डन आप पे कब हो जाता है बर्डन? टीचर्स तो आपको कम देते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, पेंडिंग 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 आपका काम रह जाता है. अब एग्जाम आ गए तो अब एकदम से बर्डन बढ़ेगा आप पे. ओके, तो इसलिए साथ साथ काम किया करो. यू ब्लैंक दिस बुक टू द लाइब्रेरी बाय संडे. यू मस्ट रिटर्न दिस बुक. तुम्हें ये बुक रिटर्न करनी ही है संडे तक लाइब्रेरी में. योर थ्रोट अपीयर्स टू बी सोर. तुम्हारा गला जो है वो सूखा नजर आ रहा है. सोर होता है वैसे खट्टा. यू ब्लैंक अ डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. यहाँ सोर मतलब खराब है, SOAR होता है वो वाला सोर. ठीक है, तुम्हारा गला खराब है, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. वी ब्लैंक एनी ट्रैफिक रूल्स दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स. वी मस्ट नॉट वायलेट एनी ट्रैफिक रूल्स. हमें कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना, इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट. बेटा ये नोट्स आपके पास आएंगे, आपको फिर से ये एक बार खुद फिल करना, उसके बाद आप टैली करना. ठीक है, और एक और चीज, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी आपके पास मैं भेजूंगी आज. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. आप देखिए बेटा, मैंने आज 22nd चैप्टर नहीं कराया, 21st के बाद 23rd कराया. वो इसलिए कि आपको ये सेकंड फॉर्म